Are you Chinese? Chinkies, momos, coronavirus. ये सारी बातें आपने जरूर सुनी होगी अगर आप एक नॉर्थ ईस्टर्न हो और आप बाहर पढ़ाई करते हो. तो racism was an issue towards us North East people from the very beginning, but due to the coronavirus ये कुछ extreme level पर जाने लगा है. तो आइए जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है. आपका नाम? मेरा नाम अनुराग यादव है. आप कहाँ से belong करते हो? मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में रहता हूँ. यहीं सारा स्टडी कर रहा हूँ अभी वैसे. तो आपको क्या लगता है कि आप चाइनीज के बीच रहकर पढ़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं किसी चाइनीज के बीच में हूँ. मैं जितना यूपी में रहकर वहाँ जो फील करता हूँ सेम वही यहाँ भी वही फील करता हूँ. कोई डिफरेंस नहीं. आपका नाम? विशाल कश्यप. तो मोस्टली मेनली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मोस्टली मैं बिहार का रहने वाला हूँ लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली. तो ठीक है, ये सवाल तो बनता है, क्या आपको लगता है कि आप चाइनीज के बीच रह रहे हो? जी ऐसा कोई नहीं है. हम सब एक चाइनीज बोल के नहीं, हम सब इंडियन है और ऐसा कोई नहीं है कि कोई चाइनीज है. हम सब भाई बहन, हम एक ब्रदरहुड में रहते हैं, एकता में रहते हैं. और आपका इस बारे में क्या कहना है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रेसिज्म चल रहा है मोस्टली कोरोना वायरस को लेकर, तो आपकी क्या राय है इस पे? जी मैं खुद प्लेन से बिलोंग करता हूँ और कुछ लोग हैं, चंद लोग प्लेन के या कहीं के भी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई और बहनों को बोल रहे हैं कि वो चाइनीज़ है और कोरोना वायरस लेके आए. तो ऐसा नहीं है कि केवल चाइनीज़ या हमारे नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को तो हुआ नहीं है ये कोरोना वायरस अभी तक, लेकिन जो प्लेन के लोग हैं उनको ही कोरोना वायरस हुआ है मोस्टली. तो वो लोग अगर चाइनीज़ के होंगे, हम लोग तो चाइनीज़ के नहीं हैं. वो कुछ चंद लोगों के कीड़ा है दिमाग में, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहन हैं उन्हें ये बात को ध्यान नहीं देना चाहिए कि कुछ लोग होंगे पागल जो ऐसे कहते हैं, तो उनके बात को इग्नोर करना चाहिए. तो आपका नाम? विशाल शर्मा. सोनू शर्मा. आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं ईटानगर से. मैं आसाम. भ्रष्टाचार. तो आपको क्या लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले क्या रियली चाइनीज है? क्योंकि आप लोग भी नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हो ना, तो क्या आपको लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले सच में चाइनीज है? नहीं बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. और जो बाहर चल रहा है अभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कि उन्हें कोरोना वायरस बुलाया जा रहा है, चाइनीज बुलाया जा रहा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान कुछ भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है तो उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा ख्याल से ये लगता है. हाँ अगर कोई हाई पोस्ट में कोई अथॉरिटी अगर वो बोल रहा है तो उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करना चाहिए, और वो किस बेसिस में ये इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए. और जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, एक डिजीज़ है जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान में है. इसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जोड़ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ना, एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ जोड़ना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से. बिकॉज इसको हम लोग सबको एक साथ मिलकर इसके साथ फाइट करना है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो अरुणाचली देख के नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट देख के नहीं आएगा, दिल्ली का लोग देख नहीं आएगा, ये जिसको लगना है उसको लग ही जाएगा. सो हमको लगता है कि किसी को एलिगेशन नहीं करके अगर हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वी कैन सॉल्व दिस डिजीज एंड प्रॉब्लम. मेरे साथ है दो ब्यूटीफुल लेडीज, तो आइए उनसे जानते हैं उनकी राय. तो आप दोनों बताइए, आर वी इंडियंस और आर वी चाइनीज? ऑब्वियसली वी आर इंडियंस. तो जो अभी इंडिया में चल रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ बुलिंग हो रहा है, वो भी कोरोना वायरस को लेकर मेनली, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था. हम लोग उबर में जा रहा था एंड आफ्टर दे सो अस एंड दे वर लाइक वेयरिंग मास्क एंड एवरीथिंग, तो वो अच्छा नहीं लगता. हम लोग अरुणाचल से है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि अरुणाचल भी इंडिया का हिस्सा है. अगर आपको पता नहीं है तो आप मैप देख सकते हैं, अरुणाचल इंडिया में ही आता है. तो प्लीज़ स्टॉप रेसिज्म, अच्छा नहीं लगता. आई एम लोपा, आई एम डूइंग मास्टर्स इन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली. मेरा नाम जिले रिया और दिल्ली में कोचिंग कर रहा हूँ. आप दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, तो आप दोनों से ये क्वेश्चन तो बनता है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रेसिज्म चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर नॉर्थ ईस्ट के बाहर, तो मोस्टली ये केसेस बेंगलोर और दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? I feel really bad, like you know, looking at all this racism going on in the country, especially New Delhi, जहाँ हम अभी रह रहे हैं. मतलब
वहाँ रह रहा था, लाइक आई एम स्टडिंग देयर. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी बैड बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर स्टेट टू अ सिटी दैट इज वेरी व्हाट टू से लाइक वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू टू अस, वी वांट टू गेट लाइक यू नो क्या बोलते हैं हैबिचुएट होने का कोशिश करता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट कल्चरली, वी आर वेरी डिफरेंट. तो जब वहाँ जाते हैं तो वी गो देयर, एक तो ऑलरेडी डर है तो हम वहाँ जाकर एक घर बनाने का कोशिश कर रहे हैं. बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक अ होम देयर एंड देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी स्टेइंग देयर नॉट अलाउइंग अस टू मेक इट अ होम, दैट टू व्हाई बिकॉज वी लुक डिफरेंट. तो वो गलत लगता है. अभी तो और एलाबोरेट तो नहीं करेगा बस, क्योंकि सब यूजुअली जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो हम भी यही बोलेगा. सबका तो यही स्टेटमेंट है ना कि मतलब गलती है, तो अभी हम वहाँ भी एक्स्ट्रा से तो नहीं बोलेगा. बस हाँ, कुछ कुछ केस होता था जिसका अभी जब दिल्ली में था कुछ कुछ केस हुआ था, तो केस के हिसाब से देखता है होने से तो वो लोग और एक्स्ट्रा कोरोना वायरस बोल के निकाले. तो अभी स्टार्ट होगा फिर से नया से, तो नया से स्टार्ट होगा तो हमारे प्रॉब्लम तो होगा ही होगा. And special thanks to my childhood friends जिन्होंने अपना support भेजा है towards us northeast people. तो आइए जानते हैं उनका experience कैसा रहा northeast का. Hello everyone out there, myself Pradiman Kumar Chandil. I'm from Bhagalpur, Bihar. I had been almost 15 years of my life in Arunachal Pradesh, basically Upper Subansiri district. If I can recollect something about my childhood, it was beautiful mountain, river, and obviously my lovely Arunachali friends. I have not been there for almost last 5 years, but still we are in touch with each other. As I have been there for a longer period of time, I can say you one thing. They are Indian man. They are truly Indian by heart. I'm talking about the whole northeastern place. You know, you see how many big people have come from that place, like Sunil Chhetri, Mary Kom. You know, we cannot imagine our country without having northeastern part. That is an integral part of our country. And you know, respect is two-way process. If we give respect, we get respect. So please stop discrimination on the basis of facial look. Respect them. They too take pride in being Indian as we do. And at last, I just want to say one thing. We are one. We are Indian. Namaste everyone. My name is Shiv. I am from Uttar Pradesh. I was born and brought up in Arunachal Pradesh, that is northeastern India. So I know the culture, tradition and food culture of that particular place. And teasing them on the basis of their looks, on the basis of their food, it's really hurting. Recently when I was in Delhi, I was with a friend and he told me that Dekh bhai, wo Chinese aa rahe hain. So this is really disgusting. This is really ridiculous and we really need to stop this one. Even when Nawazuddin Siddiqui went to Arunachal Pradesh, in his corn box, everybody was like, why did you went to that place, that corona affected place? So this is the high time. We really need to think that Northeastern India is also the part of our country. It is a very integral part of our culture and tradition, and to preserve it and to have that tag of unity and diversity, we really need it. So please guys, don't do this. It's really not cool. Jai. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, क्या हुआ अगर हम अलग दिखते हैं, है तो हम भारतीय ही. इन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल हम नॉर्थ ईस्टर्न्स को माना जाता है. रेदर देन आवर ओन फेस्टिवल्स, हम होली, दिवाली, दशहरा सब मनाते हैं और आप लोगों से ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं. आज भी हमारे यहाँ जन गण को बड़े प्यार से गाया जाता है. स्कूलों और कॉलेजेस में ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का प्लेज लेते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं. कोरोना वायरस एक डेडली डिजीज है जिसने पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा है. तो स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर एंड इसके साथ मिलकर लड़ते हैं. तो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. भारत माता की जय.